अर्चना गौतम की जब से बिग बॉस 16 में वापसी हुई है तब से उन्होंने घर वालों की नाक में दम कर दिया है। लेकिन अब सबसे ज्यादा मनमानी राजा साहब यानी घर के नए कैप्टन साजिद खान के राज में कर रही हैं। हाल ही के एपिसोड में अर्चना ने साजिद खान द्वारा दिए गए काम करने से इनकार कर दिए और टास्क में पक्षपाती होने का आरोप लगाया। साजिद खान अर्चना से ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो वे उनसे पंगा ना लें। लेकिन लगता है कि अर्चना गौतम किसी की ना सुनने और अपनी मनमानी करने के फुल मोड में हैं। आने वाले एपिसोड में अब अर्चना की इस मनमानी के कारण बड़ा धमाका होने वाला है। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो रिलीज किया है। इसमें साजिद खान अर्चना के बारे में अन्य घर वालों से कह रहे हैं कि अर्चना को तो ड्यूटी करनी ही पड़ेगी और अगर नहीं करेगी तो उसे सजा जरूर मिलेगी। साजिद कहते हैं कि अगर अर्चना ने 20 मिनट के अंदर उठकर काम नहीं किया तो वह उसे जेल भेज देंगे। इसके बाद निमृत और शिव उठकर अर्चना के पास जाते हैं और उन्हें साजिद के हुक्म बताते हैं। लेकिन अर्चना उनसे कहती हैं कि साजिद जी को बोलो ज्यादा उछलेना, पता चला वो भी ना करें। अर्चना फिर बोलती हैं कि उन्हें उनके काम पता है लेकिन वह काम कब और कैसे करेंगी इसके बारे में कोई ना सोचे, वह अपना काम कर देंगी। अर्चना गौतम जब बार बार बोले जाने पर भी नहीं सुनती तो साजिद खान अर्चना का सारा सामान बाहर फिकवा देते हैं। यही नहीं, हद तो तब हो गई जब साजिद के कहने पर अर्चना को शिव, सालीन और गौतम ने बेड से नीचे गिरा दिया। आखिर उनके साथ इस तरह का सुलूक क्यों किया गया? सभी घर वाले साजिद खान की तरफ हैं ही और वो भी अर्चना का सामान, सूटकेस वगैरह सब बाहर फेंक देते हैं। साजिद बोलते हैं अब तुम खेलना चाहती हो तो हम भी खेलेंगे। बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती है अपने आप को, अभी दिखाते हैं उसको सुपरस्टार। अब ये देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में अर्चना गौतम को इस मनमानी की क्या सजा मिलेगी। वैसे इस स्टोरी पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बिग बॉस 16 से जुड़ी अपडेट्स लगातार पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।